अच्छा, अभी एक अपडेट निकल के अभी अभी आई हुई है, जो एप्लीकेंट फाइनल लिस्ट बामेटी के तहत तरफ से जारी कर दिया गया है। और इसको बहुत लोग परेशान हैं कि इसको कैसे चेक करें, अपना कैसे अपना लिस्ट में नाम देखें। तो मैं इसी के लिए एक शॉर्ट वीडियो मैं बना दे बोला कि मैं बना देता हूं, इसलिए कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो और जो भी अपडेट है इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी अप टू डेट। तो दोस्तों, इस चैनल पर नए थे, एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और चलिए, मैं बता रहा हूँ कि मोबाइल से ही, अपने मोबाइल से ही आप चेक कर सकते हैं एप्लीकेंट फाइनल लिस्ट में कि हमारा अपना जो भी आप लोग का डिस्ट्रिक्ट चूज किए होंगे तो किस ज़िले में आपका कितने नंबर पर लिस्ट में नाम है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए, मैं वीडियो की तरफ लेकर चलता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आपको क्रोम ब्राउज़र पे या गूगल पे किसी भी वेबसाइट पे जा करके, आप क्रोम ब्राउज़र पे ही खोल सकते हैं www.bameti.org डाल सकते हैं और इसको आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद, जैसे मैं देखिए मैं सर्च करता हूं, तो दोस्तों देखिए मैं सर्च कर लिया। और सर्च करने के बाद देखिए, जो सबसे पहले वाली इंटरफेस आती है ये बामेटी के, इस पर आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये आपको क्लिक कर दीजिए। आपको क्लिक करने के बाद देखिए, इसकी ऑफिशियल नोटिस निकल के आ जाएगी इसकी। अब देखिए, ये इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें आपको कुछ देखने के काम नहीं है, आपको जो ये लाइनिंग चल रही है इसकी, ये जो यहाँ पर लाइनिंग चल रही है, एक मिनट दोस्तों, इसका मैं कलर ही चेंज कर दूँ। ये जो लाइनिंग चल रही है, तो इसी पे आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो इसको आप ऊपर क्लिक कर दीजिए और क्लिक कर दिए। अब देखिए, आपको इस प्रकार के इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। और इस प्रकार के इंटरफेस खुल गया, तो इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ये जो है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेंट फाइनल लिस्ट, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या दिया, डिस्ट्रिक्ट नेम दिया हुआ सेलेक्ट करने के लिए, यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ सेलेक्ट करने के लिए, और इसके आगे मैं बता दूँ यहाँ पे व्यूज़ पर सेलेक्ट करना है। तो चलिए, हम अपना डिस्ट्रिक्ट नेम सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे देखिए, किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज कर लें, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट डालें। जैसे मैं अपना देख लेते हैं, मधुबनी का, मधुबनी डाल दिए। मधुबनी में फर्स्ट और सेलेक्ट जिस जिस डिपार्टमेंट के लिए किए हुए हैं, जैसे मैं आप इसके लिए स्टेनोग्राफर के, BTM और ATM और अकाउंटेंट, चारों डिपार्टमेंट के लिए। तो जिस चीज़ पे आप, जिस डिपार्टमेंट से डाले उस पे आप ओके कर सकते हैं। तो जैसे हम ATM का डाल दिए, यहाँ पे असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर का डाल दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस प्रकार का इंटरफेस आएगा व्यू का, तो इस पे व्यू पे आपको क्लिक करना है। आप व्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए, आपको ऐसे इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। और इसमें आप अपने जितने आपकी टोटल परसेंटेज बन रही है, अब देखिए ये आपका पूरे लिस्ट में नाम आ गया, सभी लोगों का लिस्ट में नाम आ गया। अब इसमें जो भी आप लोगों के पॉइंट बन रही है, तो यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही आसान तरीक़ों से आप खोज सकते हैं। ये जो है अपने पॉइंटों पे, मैं जितने पॉइंट बन रहे, जैसे 73.97 है या 73.80 है या 75 है, 71 है, जो भी पॉइंट बन रहे, आप उस पॉइंट के अकॉर्डिंग जा करके आप अच्छे से इसको चूज कर सकते। इसी तरह से आप सेकेंड लिस्ट का भी आप चूज कर सकते हैं। जैसे मैं, अब आपका फर्स्ट चॉइस ये हो गया, और सेकेंड में आपका डालने के लिए आप इसमें नवादा डालिए। अब सेकंड में नवादा डाल दिए, और नवादा ये भी क्या है, इसको व्यू पे ओके करेंगे। अब देखिए, इसमें नवादा का भी अब खुल कर आ जाएगा। तो दोस्तों, आराम से आप बहुत ही आसान तरीक़ों से आप अपने मोबाइल से ही घर पे बैठे आप इसको देख सकते हैं। और मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें दोस्तों, एक बार दोस्तों सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर करें दोस्तों। चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जो भी अपडेट आती है तो मैं आपको बताता रहूँगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।